बीजेपी के पिछले एक माह से चल रहे परिवर्तन रैली का आज राजधानी देहरादून के टपकेश्वर ग्राउंड में समापन किया गया। इस समापन के मुख्य अतिथि केंद्र रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने बीजेपी के जन समूह को संबोधित किया। वहीं उन्होंने कहा, प्रदेश भर से मिल रहे लोगों को रुझान से ये तय है कि आगामी 2017 विधानसभा के चुनाव में बीजेपी 2/3 से जीत दर्ज करेगी। मैं आपको जय जयकार करने को बता दूंगा, लेकिन जैसे गणेश जी ने नाम लेके बोला, मैं नाम नहीं ले लूंगा। मैं इतना ही कहूंगा कि भारत माता की आप जय कहेंगे, दोनों मुट्ठियां ऊपर उठा के, हाथ मत उठाइए, हाथ को दूर करने की जरूरत है। बोलिए भारत माता की, पूरा जोर से आवाज। देखिए, मैं सौभाग्यशाली हूँ जब परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हुई थी उसका पहला स्वागत करने का सौभाग्य मसूरी विधानसभा के कार्यकर्ता के रूप में, विधायक के रूप में मुझे मिला। हमने डाइवर्जन पर और मसूरी में एक भव्य स्वागत यात्रा का किया था और आज सौभाग्य से टपकेश्वर मंदिर के प्रांगण में एक सैनिक बहाल क्षेत्र में देश के रक्षा मंत्री जी ने इस यात्रा का समापन किया। और 12 बजे से जो लोग यहां पर बैठे हैं, जो उत्साह लोगों ने दिखाया, 5 बज रहे हैं उसके बाद भी लोग यहां पर बैठे हुए थे, वो इस बात का प्रतीक है कि आज आम जनता भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रही है। वो कांग्रेस से त्रस्त है, वो कांग्रेस से मुक्ति चाहती है। वो 2017 में प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चाहती है। ये संदेश इस यात्रा के समापन यहां पर दिया और मैं आभारी हूं माननीय रक्षा मंत्री जी का, क्योंकि जब मैं दिल्ली में गया था तो हमने उनसे कहा था कि पहाड़ के लोगों की हाइट जो है कम होती है और यहाँ का देश की सीमाओं पर रक्षा करने वाला हर दूसरा जवान 17.5% जो है उसकी पूर्ति उत्तराखंड जैसा छोटा राज्य करता है। आज उन्होंने इसकी घोषणा भी की है कि मैं उस पर एक्सरसाइज कर रहा हूँ, उस पर एक्सरसाइज कर रहा हूँ और शीघ्र ही हमारी ये मांग पूरी होगी। और सैनिकों की और भी अन्य जो मांगे हैं, वनडंग बैंक पेंशन में जो कहीं थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं उसको पूरा करने का आश्वासन माननीय रक्षा मंत्री ने किया है। मैं उनके इसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद अदा करता हूं। दो चीजें और